तो आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 की सेटिंग्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सेटिंग्स कहाँ से खोलते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ विंडोज के स्टार्ट के बटन पर, और यहाँ पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे सामने खुल जाएंगे। तो ये इसकी सेटिंग्स हैं, इसको हम यहाँ से रिस्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल मोबाइल के तरह से हमें दिखाई देंगी, और ये यहाँ पे हमें इस तरह से नज़र आ रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स हैं, जिसमें सबसे पहले सेटिंग्स है सिस्टम से रिलेटेड। सिस्टम सेटिंग्स में क्या सेटिंग्स हैं इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सिस्टम सेटिंग्स आज हम कर रहे हैं इसकी, सिस्टम सिस्टम सेटिंग्स में जब हम अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको पहले ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले से रिलेटेड। अब डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है ब्राइटनेस कंट्रोल करने के हवाले से। अब यहाँ पे याद ध्यान में रखना है कि आप लैपटॉप कंप्यूटर की ब्राइटनेस तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर की ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उसकी एलसीडी अलग से होती है और उसकी एलसीडी में बटन ये होते हैं, वो वहाँ से कंट्रोल होगी। अच्छा, नाइट लाइट ऑन अंटिल 7 AM। अब ये जैसे हम चाहते हैं कि भाई जैसे रात के 7 बजे के बाद जो है नाइट विजन मोड ऑन हो जाए। जैसे अभी आप देखिए मेरे स्क्रीन पर हल्का हल्का फीका कलर आ रहा है, उसको मैं ऑफ करूंगा तो ये बिल्कुल व्हाइट कलर हो गया। तो नाइट विजन ऑन करने में ये होता है कि थोड़ा ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो आंखों पर इम्पैक्ट कम पड़ता है और रात के हवाले से स्क्रीन का सेट रहता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम्स। अब ये इधर क्या बात कर रहा है, चेंज द साइज ऑफ एप्स टेक्स्ट एंड अदर आइटम्स में। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसको बंद करता हूँ मैं। ये देखिए अब आपके सामने ये जो आ रहा होता है बाकी एरिया, ये जो एरिया आ रहा होता है इस एरिया को आप देख रहे हैं फोर से, इसमें आइकन्स बने हुए हैं और इसमें जो टेक्स्ट बना हुआ आ रहा है, ये सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी बात हो रही है। तो इसकी जो विजुअलाइजेशन है, इसके साइज को आप यहाँ से 125% पे अगर आप जूम करेंगे तो इसका साइज भी एक्सटेंड हो जाएगा और आपको टेक्स्ट भी पहले से बड़ा नजर आने लगेगा। और यहाँ से क्लिक करके 150 करेंगे तो ये और बड़े आइकन्स और टेक्स्ट साइज नजर आएगा। मतलब आप अपने हिसाब से स्क्रीन का जो फॉन्ट साइज है और आइकन का साइज है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना क्लियर व्यू देखना है और कितने बड़े देखना है। ठीक है, और दोबारा से अगर इसको आप 100% करेंगे तो यहाँ पे ये 100% आपको जैसे ये पहला था वैसा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद डिस्प्ले रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन यानी कि स्क्रीन जो हमारी फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू एलसीडी वो किस तरह से फॉर्मेट करे, मतलब फॉर्म करे, मतलब किस तरह से दिखाई दे। तो ये बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेड भी है 1600x900, मतलब ये जो मेरी स्क्रीन बन रही है इसमें 1601 रो के अंदर पिक्सल है और 901 कॉलम के अंदर पिक्सल है, इस तरह से मेरी स्क्रीन फॉर्म हो रही है। अब इसको कम ज्यादा करूंगा तो देखिए स्क्रीन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मैं इससे 1440x900 ले लूँगा तो देखिए स्क्रीन का थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट था वो थोड़ा सा पहले से डिफरेंट हो गया। अब अगर मैं रखना चाहता हूँ तो कीप चेंजेस कर दें, वरना रिवर्ट कर सकते थे, और नीचे आएंगे तो और स्क्रीन थोड़ा सा आपको इस तरह से नजर आने लगेगा, और नीचे आएंगे तो और स्क्रीन थोड़ा सा आपको और फोकस हो जाएगा, पिक्सल्स कम होते जा रहे हैं, और नीचे आएंगे तो और ज़रा कम हो जाएगा और ये इस तरह से आपको नजर आने लग जाएगा। ये देखिए, तो जो साइज आपको सेट लगता है कि हाँ भाई ये मुझे बेहतर व्यू दे रहा है और मेरी एलसीडी पर सही फिक्स बैठ रहा है और मुझे इसके अंदर दिक्कत नहीं हो रही विजुलाइजेशन में, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। डिस्प्ले ओरिएंटेशन, अभी हमारी स्क्रीन जो है ये रेक्टेंगल है तो इसको वाइड स्क्रीन कहते हैं, तो इसके हिसाब से लैंडस्केप ही रखते हैं। अगर आप इसका पोर्ट्रेट व्यू करेंगे तो ये देखिए इस तरह से पोर्ट्रेट हो जाएगा, फिर आप लैपटॉप को इस तरह से रोटेट करके घुमा के इसे सीधा भी देख सकते हैं, और इसको अगर अभी रिवर्ट करना है तो ये माउस को फिर उस हिसाब से चलाना पड़ेगा। दोबारा से आइए, ठीक है, बैक कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं साउंड्स के ऊपर। तो हमारे जो सिस्टम का साउंड है यानी कि पूरे कंप्यूटर का जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं स्पीकर की आवाज़ को कम ज़्यादा, लेकिन इसके लिए स्पीकर होना लाजमी है। उसके बाद आते हैं नोटिफिकेशन एंड एक्शन। जैसे मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। अब नोटिफिकेशन हमें नज़र तो यहाँ आते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन को ऑफ भी किया जा सकता है। कैसे, बाई डिफॉल्ट ये ऑन होता है तो मैंने अपने सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए ऐप्स के, तो कोई नोटिफिकेशन मुझे किसी भी ऐप का नहीं आएगा जिससे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इसके बाद फोकस असिस्टेंट की बात करेंगे, अगर नोटिफिकेशन आपने ऑफ कर दिए तो नोटिफिकेशन ऑफ करने के बाद भी अगर आप प्रायोरिटी ओनली रखना चाहें, मतलब सी ओनली सिलेक्टेड नोटिफिकेशन फ्रॉम द प्रायोरिटी लिस्ट, क्या आप चाहते हैं कि वैसे तो सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ रहे लेकिन जैसे इनकमिंग कॉल्स का नोटिफिकेशन आ जाए, रिमाइंडर आ जाए,
या कोई और ऐप है उसका नोटिफिकेशन आ जाए तो उसको यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलार्म का सिर्फ नोटिफिकेशन आए तो इसका चेक लगा दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे नोटिफिकेशन बिल्कुल ही ना आए तो उसको भी ऑफ कर दें, और अगर आप चाह रहे हैं कि इन टाइमिंग्स पे नोटिफिकेशन आए तो वो ये ऑन करके टाइमिंग सेट की जा सकती है, डुप्लीकेट स्क्रीन करने पर नोटिफिकेशन आए, ये सारे ऑन होते हैं, मैंने सबको ऑफ कर दिए कि भाई मुझे किसी किस्म का नोटिफिकेशन कभी भी ना दिखाई दे। इसके बाद आ जाए पावर एंड स्लिप मोड। ये सेटिंग्स हम जब यूज करते हैं जब हमारा कंप्यूटर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फ्री हो, मतलब यहाँ पे ये दो सेटिंग्स हैं, एक स्क्रीन ऑफ के हवाले से है और दूसरी स्लिप मोड के हवाले से है। लेकिन दोनों सेटिंग्स में दो दो ऑप्शन है। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ ये एक ही ऑप्शन होगा, स्लिप में भी और स्क्रीन में भी, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर डायरेक्ट पावर सप्लाई पे चलता है, उसमें बैटरी बिल्ट इन कनेक्टेड नहीं होती है। लेकिन जबकि लैपटॉप कंप्यूटर में एक बैटरी होती है और एक सा पावर सोर्स होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कब मेरा लैपटॉप पावर सोर्स पे चल रहा है कब बैटरी पे चल रहा है, इसके लिए अभी यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बैटरी का आइकन आ रहा है, अभी यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक प्लग का निशान बना हुआ आ रहा है। ये प्लग बना हुआ है इसका मतलब आपका लैपटॉप पावर पर कनेक्टेड है, मतलब एडॉप्टर से पावर पर चल रहा है। जब आप एडॉप्टर निकाल देंगे तो ये प्लग गायब हो जाएगा, फिर प्योरली वो बैटरी पर चल रहा है। तो ये सेटिंग दोनों तरह से काम करेगी, मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका लैपटॉप फ्री है या डेस्कटॉप फ्री है तो कितनी देर बाद उसकी स्क्रीन ऑफ हो जाए। तो अगर बैटरी पे चल रहा है तो आप अलग सेटिंग बता सकते हैं, एक मिनट बाद, मैक्सिमम 5 घंटे, और चाहे तो नेवर भी कर सकते हैं। और अगर वो प्लग्ड इन है तो कितनी देर बाद, तो मैक्सिमम 1 मिनट, 10 मिनट या फिर नेवर भी कर सकते हैं। इस तरह अगर मजीद इससे भी आगे निकल जाए और तो स्लिप मोड पर कितनी देर में चला जाए, तो अगर बैटरी पे चल रहा हो तो हमने बता रखा 45 मिनट पे चला जाए, और अगर पावर पे हो तो नहीं जाए। तो मैं यहाँ पे 1 घंटे में भी सेट कर सकता हूँ पावर मोड के ऊपर। तो ये सेटिंग आप क्यों करते हैं, लेट सपोज आप कोई अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे और अचानक आप उठ के चले गए। अब लैपटॉप तो ऑन है, डेस्कटॉप ऑन है, तो वो लाइट भी खर्च करता रहेगा और अगर बैटरी है तो वो भी खर्च कर देगा। तो इसकी सेटिंग से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप बाहर भी निकल गए कहीं तो इतने टाइम में स्क्रीन को ऑफ कर देगा और इतने टाइम में स्लिप मोड पर चला जाएगा। अगर एडिशनल पावर सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे मजीद और आप सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे चूज व्हाट द पावर बटन डू। चूज द पावर बटन डू का मतलब ये होता है कि हमारे सीपीयू और लैपटॉप में एक पावर बटन होता है जिसको हम ऑन ऑफ बटन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप बैटरी पे चल रहा है और आप पावर का बटन दबाएं तो वो क्या एक्शन करें। तो यहाँ पर कुछ एक्शन है, जैसे शटडाउन, अपने आप को ऑफ कर ले, डिस्प्ले को ऑफ कर ले, हाइबरनेट मतलब सारी सेटिंग को सेव करें और अपने आप को ऑफ कर ले ताकि अगली दफा जब हम खोले तो वहीं से शुरू हो, स्लिप मोड पे चला जाए, डू नथिंग, भले आप पावर का बटन दबाएं कुछ ना करें। सेम सेटिंग्स आती है प्लग इन पर, मतलब पावर एडॉप्टर पे कनेक्टेड है तो इनमें से क्या एक्शन वो परफॉर्म करें। अच्छा, ये ऑप्शन जो है व्हेन आई क्लोज LID, ये ऑप्शन डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको नहीं मिलेगा, लैपटॉप में मिलेगा। LID का मतलब आप देख रहे हैं, जब हम लैपटॉप को फ्लैप करते हैं यानी कि जब उसको बंद कर देते हैं, इसका जो LCD होता है उसको नीचे करके फ्लैप करते हैं, तो जब आप फ्लैप करें तो बैटरी पे हो तो क्या एक्शन परफॉर्म करें, और अगर पावर मोड पर हो तो क्या एक्शन परफॉर्म करें। तो ये यहाँ से आप इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, बैक कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, इससे भी नीचे आ जाते हैं और यहाँ से चलते हैं बैक। फिर आते हैं बैटरी। अगर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर पे तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर पे बैटरी का ऑप्शन आएगा। अगर आपकी बैटरी कितनी चार्ज है तो बता रहा है 100% चार्ज हो चुकी है, और बैटरी सेवर मतलब जब बैटरी लो हो जाए तो कितने परसेंट पर आपको इंडिकेट करे, 10% पे, 20% पे, 30% पे। और फिर आपको यहाँ पे एक डिटेल दे रहा है कि बैटरी यूजेज पर ऐप, कौन सी ऐप आपकी बैटरी ज़्यादा यूज कर रही है। गूगल क्रोम 50% यूज़ कर रहा है, इंटरनेट डाउनलोड 10% यूज़ कर रहा है, विंडोज 2% यूज़ कर रहा है। तो यहाँ से आप ये डिटेल ले सकते हैं कौन सी ऐप ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम कर रही है, तो उस ऐप को बंद कर दें या उसको आप जैसे चाहें कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज। तो हमारे पास स्टोरेज जो डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन में तो स्टोरेज रोम एंड रैम दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में उनको कहा जाता है हार्ड डिस्क और रैम। तो बेसिकली ये जिस स्टोरेज की बात कर रहा है वो रोम है, हार्ड डिस्क जिसका सी ड्राइव आपको दिखा रहा है, जिसका नाम है विंडोज OS सी, और उसका साइज बता रहा है 116 GB है। तो ये कितना परसेंट यूज हो चुका है, कह रहा है कि 110 GB इस्तेमाल हो चुका है, बाकी 5 GB इसमें फ्री है। अब बता रहा है कि कौन सी जगह पर कितना यूज हुआ है, ऐप्स एंड फीचर्स, जो ऐप्स हैं उनमें से ऐप्स ने कितना इसको यूज़ किया है, कौन सी ऐप ने कितना साइज लिया है,
यहाँ पे आपको बता रहा है कि इस ऐप ने 1.74 GB लिया है, इसने 3.28 GB लिया है, इसने 1.16 GB लिया है, और इसने स्पेस लिया है 76 MB, इसने स्पेस लिया है 168 MB। तो इस तरह से आपको कंप्लीट डिटेल दे रहा है कि कौन सी ऐप ने कितना साइज कंज्यूम किया है आपके इस लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे। और अगर आप किसी ऐप को चाहें तो वो रिमूव भी कर सकते हैं अगर वो एक्स्ट्रा है, मतलब आपके काम के लिए, जैसे आप मोबाइल पर से कर लेते हैं तो इस तरह से। तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं सारे ऑप्शन देख सकते हैं। तो मोर सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ चले जाएं वी स्टोरेज ऑन यूजेज, तो बता रहा है कि सी ड्राइव 116 GB की थी जिसमें से 110 GB यूज हो गया जो कि 5 GB फ्री है। डी ड्राइव 115 GB की थी जिसमें से 84 GB यूज हो चुका है और 30 GB इसमें फ्री है। दोनों के बारे में बता रहा है, उसकी भी मजीद अगर आप डिटेल्स देखना चाहें तो यहाँ पे आपको मजीद कैटेगरीज बना के आपको दिखा देंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आ जाते हैं टैबलेट मोड। अच्छा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। अभी जो हम यूज कर रहे हैं अपने विंडोज 10 को, ये डेस्कटॉप मोड है इसका, विंडोज 7 लेगेसी मोड है। अगर हम इसका टैबलेट मोड एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे टैबलेट मोड एक्टिवेट? अभी देख लें लेगेसी मोड में क्या है। ये स्टार्ट मेन्यू है, ये स्लाइडर है, और ये एप्स आपको नीचे नजर आ रही है। जैसे किसी भी एप्स को आप ऑन करेंगे और उस एप्स को यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका नॉर्मल लेगेसी मोड है जो इसको हम देख रहे हैं। अब इसका हम टैबलेट मोड ऑन करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे, और जैसे यहाँ पे जाके हम टैबलेट मोड को ऑन करेंगे तो इसका जो इंटरफेस है वो एकदम चेंज हो जाएगा और मोबाइल फोन की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा देखिएगा, ये हो गया बिल्कुल मोबाइल की तरह, ठीक है। कैसे, आप देखिए एक एक पूरी स्क्रीन पे खुली हुई है। नीचे आएंगे तो ये आपको क्लिक करने पर जितनी ऐप्स है सारी इस तरह से दिखाई देंगी जैसे मोबाइल पर दिखाई दे रही होती है। फिर जिस ऐप पर जाना है उस पर क्लिक करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। फिर आप नीचे जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर दूसरी ऐप पर जाना है वहाँ क्लिक करेंगे वो सामने आ जाएगा। और स्टार्ट मेन्यू कैसे नजर आएगा, क्लिक करेंगे जैसे मोबाइल पर नजर आ रहा होता है, ऑल ऐप्स कर दें तो जैसे मोबाइल की स्क्रीन को जैसे ऊपर कर रहे होते हैं स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप, इस तरह से आ रहा होगा नजर। और ऐप पूरी स्क्रीन पर एक ही खुलेगी, जैसे कैमरा की ऐप खोल लेते हैं ये पूरी स्क्रीन पर एक ही कैमरा की ऐप आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये देखिए नजर आ रही है, और फिर यहाँ से हम जाएंगे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम इसको क्लोज कर सकते हैं जिस ऐप को चाहें। तो इस तरह से हम इसका टैबलेट मोड ऑन कर सकते हैं। और टैबलेट मोड ऑन करने के बाद अगर ऑफ करना हो, यहाँ से ऑफ करेंगे दोबारा से देखें इसका ये डेस्कटॉप मोड एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। यहाँ से बैक करेंगे, उसके बाद आते हैं मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग का जो फीचर है वो कैसे काम करेगा, पहले तो देखें इस फीचर को ऑन करेंगे। बता रहा है वर्क विथ मल्टीपल विंडोज, ड्रैग विंडोज टू द साइड्स और कॉर्नर्स ऑफ योर स्क्रीन एंड दे विल ऑटोमेटिकली साइज टू फिट परफेक्टली साइड बाय साइड। कह रहे हैं कि अगर आप एक से ज्यादा विंडोज को एक साथ देखना चाहते हैं ऐप्स को तो इसको ऑन कर लें। और उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे मेरी एक ये ऐप खुली हुई है, इसको उठा के मैंने जैसे इस कॉर्नर से टच करूंगा तो ये इधर फिक्स हो जाएगी, बाकी ऐप मेरी यहाँ पे खुली हुई रहेगी। और दूसरी ऐप को मैं उठा के यहाँ पे ऐसे फिक्स करूंगा तो ये दोनों देखें पैरेलल फिक्स हो गई, जिस तरह से आराम से फिक्स कर सकते हैं। अच्छा देखिए इस तरह से ये वाली ऐप है, इसको पकड़ा मैंने, इसको यहाँ फिक्स कर दिया, ये इधर फिक्स हो गई। और जो दूसरी ऐप है मेरी ये वाली ऐप है, इसको पकड़ा मैंने यहाँ पे, इसको यहाँ फिक्स कर दिया, तो ये दोनों यहाँ पे इजीली फिक्स हो गई। और अगर ऊपर फिक्स करेंगे ले जाके तो ये इस तरह से पूरी स्क्रीन पे नजर आने लगेगी। तो ये है आपका मल्टी विंडोज, वर्क विद मल्टी विंडोज, स्टेप टू विंडोज ऑन करना है। ऑफ कर देंगे तो फिर ये फीचर अब काम नहीं करेगा। तो ये देखिए हम ये उसके बाद है प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। अब कह रहे हैं प्रोजेक्ट योर विंडोज फोन, लेकिन यहाँ पे विंडोज फोन की बात हो रही है या पीसी टू दिस स्क्रीन एंड यूज इट्स कीबोर्ड माउस एंड अदर डिवाइसेस टू एट द वायरलेस डिस्प्ले ऑप्शन फीचर्स टू प्रोजेक्ट दिस पीसी। एक दूसरी पीसी को कनेक्ट करने के हवाले से बात हो रही है, लेकिन फिलहाल ये ऑप्शन हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा इतना यूजेबल ऑप्शन नहीं है और अभी हमारी इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं कि इनको यूज करके हम इन चीजों को कोई कर सके, फिर कभी इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फिर उसके बाद नीचे आते हैं शेयर्ड एक्सपीरियंस, ये भी फीचर ऑनलाइन काम करेगा, मतलब जो भी आपकी डिवाइस पर एक्टिविटी हो रही है उनका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली शेयर करता रहेगा। और आई कैन शेयर और रिसीव फ्रॉम एवरी नियर बाई डिवाइस, इसमें मकसद ये है कि जैसे अगर आपका मोबाइल फोन है, विंडोज फोन है या डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर, उसमें ब्लूटूथ लगा हुआ है और वो ब्लूटूथ पे अकाउंट्स आपस में शेयर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आपकी डिवाइस वहाँ पर शो हो या ना हो वो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। अगर आप ऑफ कर देंगे तो फिर आपकी डिवाइस वहाँ पर शेयर नहीं होगी।
उसके बाद सिस्टम कंपोनेंट्स, यहाँ पे बता रहा है जो आपके पास इंस्टॉल है कंपोनेंट्स, उसमें उसकी लिस्ट आ रही है। रिमोट डेस्कटॉप फीचर भी हम यूज़ नहीं करेंगे, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में, देखेंगे बाद में कभी इसको करना होगा तो। ऑप्शनल फीचर्स हर कंप्यूटर में नहीं आते। फाइनल इसके अंदर अबाउट का ऑप्शन है, अबाउट में आप मालूमात ले सकते हैं कि आपके कंप्यूटर का क्या नाम है, जैसे मेरे लैपटॉप का नाम है राशिद लैपटॉप लेना, वो इस पे प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन 2.6 GHz, रैम कितनी है 8 GB यहाँ पे बता रहा है। और नीचे आएंगे तो विंडोज़ का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, विंडोज 10 प्रो 22H2 और 24 अक्टूबर 2022 को इंस्टॉल किया था, ये इसका OS बिल्ड कोड है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी हमारी विंडोज 10 की सिस्टम सेटिंग्स जो हमने अभी कवर कर ली।